हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशुतोष। आज हम लोग क्लास 12 का सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर बातचीत करेंगे। तो ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है। देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है इसको पहले समझाइए कि क्यों एक मतलब लोहे में कोबाल्ट निकल इसमें क्यों दिखाई देते हैं, इसको पहले हम समझते हैं। इसके लिए आप एक काम कीजिए, छोटा सा एक प्लास्टिक का टुकड़ा लीजिए, ओके, घर में। उसके ऊपर आप लोग एक सर्कल बनाइए, क्लियर। सर्कल को जो भी डायरेक्शन में हो, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, जो भी डायरेक्शन में हो, ऐसे एरो दीजिए। या देने के बाद आप लोग ये थोड़ा देखिए मैं क्या किया, इधर एन लिखा, नॉर्थ लिखा, इसको एरे ऐसे दिया, किसके साथ सिमिलरिटी करके, ये जो काउंटर क्लॉकवाइज जो सर्कल के ऊपर मैंने एरो दिए हैं उसके रिस्पेक्ट में ये एन के ऊपर मैंने एरो दिए हैं, ठीक है। और एक तो देखिए, ये और एक सर्कल है, इधर क्लॉकवाइज हम लोग दिए, ठीक है। आप देखिए साउथ के ऊपर दो एरो, तो इधर डायरेक्शन इसका है, इसका भी डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन। तो बात यह है, आप ये कर लिए हो। करने के बाद जिस तरफ डायरेक्शन एन के साथ सिमिलर होगा, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज होगा, उधर हम लोग डिसाइड करेंगे नॉर्थ पोल। और जिस तरफ एस के बराबर डायरेक्शन दिखाई देगा उसको, उस तरफ हम लोग डिसाइड करेंगे साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल डिसीजन में आएंगे किसके हिसाब से, देखिए एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है कि नहीं। अगर हम लोग जानते हैं, मान लीजिए ये पी सेल है, 3P है, ठीक है, ईच एंड एवरी ब्लॉक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर इसके साथ और एक पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है। ये तो हम लोग क्लास 11 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं, पढ़े हैं। तो मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूमेगा, जो क्लॉकवाइज घूमेगा वो साउथ पोल दिखाएगा, ठीक, और जो काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा वो नॉर्थ पोल दिखाएगा, ठीक। साउथ पोल नॉर्थ पोल दिखाएगा मतलब दो इलेक्ट्रॉन से क्या एक मैग्नेट बनेगा, नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन से ही मैग्नेट बनेगा। कैसे, देखिए इसको समझिए, ये जो प्लास्टिक के टुकड़े आप लिए थे ना, इसके जिस साइड से आपको काउंटर क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, अगर प्लास्टिक के ऑपोजिट साइड से आप देखेंगे ना तो वही आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा। मतलब कोई भी पार्टिकल अगर काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है इस फेस से तो दूसरे फेस से वो क्लॉकवाइज घूमता है, वो आप चेक कर लीजिए घर में तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो क्या हुआ, ईच एंड एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एक छोटा सा डोमेन क्रिएट होता है, इधर साउथ पोल, ठीक, इधर नॉर्थ पोल है मान लीजिए, तो ऑपोजिट साइड में क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन घूमने से एक साइड में नॉर्थ और दूसरे साइड में साउथ पोल होता है, मतलब एक छोटा मैग्नेट क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दूसरी बात, अगर ऐसा होता है, इस ब्लॉक की बात करते हैं, ये मान लीजिए 2S है,
जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है, मतलब नॉर्थ पोल इधर से दिखाई देगा तो ऑपोजिट साइड से साउथ पोल दिखाई देगा, मतलब एक छोटा डोमेन बनाएगा जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों ही है, छोटा मैग्नेट, छोटू छोटा सा, ठीक है। अगर ये 2s2 होता तब क्या होता, इसमें और भी एक इलेक्ट्रॉन रहता जिसका डायरेक्शन फर्स्ट वाला का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट रहता, मतलब ये अगर नॉर्थ साउथ करेगा तो ये बगल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन साउथ नॉर्थ करेगा, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, खत्म कर देगा कौन, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन। फिर से सुनिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए जो छोटा डोमेन क्रिएट होता है, छोटा सा जो मैग्नेट क्रिएट हुआ नॉर्थ और साउथ पोल वाला, इसके लिए वो खत्म हो गया। किस कंडीशन में, अगर एक ही ब्लॉक पे दो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2s2 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, नहीं रहेगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में मान लीजिए ऐसा है, ये p का सेल है, मान लीजिए 3p6 है, आगे जो भी है छोड़ दीजिए इसको, लास्ट वाला आउट ऑफ मोस्ट सेल में 3p6 है, आउट ऑफ मोस्ट या वैलेंस सेल में 3p6 है, तो 3p6 वाला इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। मान लीजिए 4d10 है, वो दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, क्यों, पांचों घर हो सकता है, तो पांचों घर में जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस डायरेक्शन तो ये इस डायरेक्शन, ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, तो एक का मैग्नेटिक इफेक्ट दूसरा क्या करेगा, खत्म कर देगा, तो इसीलिए नेट फॉल अंडा जीरो आया। ये क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलिए अब पैरा मैग्नेटिक की तरफ जाते हैं, कॉपर। कॉपर में आप लोग देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 3d10 और 4s1 है, तो 3s2 3p6 3d10 4s1, ठीक। अब बात यह है मोस्ट आउट ऑफ मोस्ट सेल क्या है, मोस्ट आउट ऑफ मोस्ट सेल क्या है, आप लोग बोलेंगे 4s, नहीं, मोस्ट आउट ऑफ मोस्ट सेल होगा 3d10, क्यों, देखिए इसका एनर्जी लेवल है 4+0 मतलब 4, और इसका एनर्जी लेवल क्या है 3+2 मतलब 5, तो 3d मोर हायर एनर्जी लेवल में रहता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 4s1 3d10। अब 3d10 में ये जो घर में जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब पेयरिंग में है कि नहीं, तो इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होगा, नहीं होगा, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक कहलाता है। अब आते हैं चलिए फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल पे, ये रहा फेरोमैग्नेटिक का लोहा का आयरन का, इसका आउट ऑफ मोस्ट सेल क्या है 3d6 3d6। चलिए घर बनाते हैं इसका, पांचों घर होगा ना, टी सेल है इसमें 1 2, चलिए कलर अलग कर देते हैं आपको और भी क्लियर आएगा, तो पांचों घर में 1 2 3 4 5, ये रहा 6 क्योंकि इसमें 6 है, तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है 2 है 3 है 4 है, मतलब अगर सिंपली आयरन भी रहेगा तो उसमें 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें छोटा छोटा मैग्नेट क्रिएट होगा, इधर एक ठो नॉर्थ साउथ, इधर एक ठो नॉर्थ साउथ, इधर एक ठो नॉर्थ साउथ और इधर एक ठो नॉर्थ एंड साउथ, मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, दिखाता भी है,
अगर इफ ही टू प्लस होगा तो सोचिए और भी जबरदस्त हो जाएगा, इफ ही टू प्लस होगा तो और भी जबरदस्त होगा, क्या होगा? देखिए इफ ही टू प्लस, अगर आयन के ऊपर बात करते हैं तो 4s2 3d6। ध्यान से देखिए इस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, चलिए कलर चेंज कर देते हैं, आप भी खुश मैं भी खुश, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, और डी सेल में घर कितना, 5 घर, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, इसमें इलेक्ट्रॉन है 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये मैंने जो दिखाया ये एफ का है। अब इधर है 2 प्लस चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गया भाई, इसको कंसीडर करो, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, इधर से, कहाँ से निकलेगा, इधर से निकल गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर क्या हुआ, देखिए कितना मज़ेदार है ना, कितना लॉजिकल। देखिए तो 1, 2, 3, 4 और 5, अब 1 इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन गया भाई, और भी एक जाना है, तो इधर से जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो चलो इधर से भी चला गया, ये 2 था, हो गया 1। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो हाईली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, तो अब तो समझ से ही गए होगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं स्टार्टिंग का। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है जो भी डायरेक्शन में आप घुमा दो, घुमा दिया ना, तो लिखो ऐसे कि इसके एरो और ये एरो सिमिलर में आ जाए, लिखो ऐसे कि इसका एरो और इसका एरो सेम आ जाए। तो ये क्या थे, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो घूमेगा, अगर घूमेगा तो एक साइड में साउथ पोल होगा इस साइड से, और दूसरे साइड से क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। ये आप तो देख चुके होंगे, ग्लास या प्लास्टिक में इसको ड्रॉ कीजिए, एरो दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। प्लास्टिक के एक साइड से अगर क्लॉकवाइज दिखेगा तो दूसरे साइड से काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब कोई भी चीज अगर घूमता है तो एक साइड से क्लॉकवाइज, दूसरे साइड से काउंटर क्लॉकवाइज। तो छोटा वाला चीज क्या हुआ, एक छोटा मैग्नेट हुआ। इस तरह सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसमें जितना ज्यादा वो उतना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना, सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल नॉलेज है। तो ठीक है भाइयों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको तनिक भी अच्छा लगा है, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए जिससे मेरा हौसला और भी बढ़े, और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।